गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज क्लास नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज मैट्रिक्स. एंड इन प्रीवियस क्लासेस वी हैड डन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस. और बिल्कुल इसी पे ही आगे बेस्ड जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, इससे आगे आगे हमारा इसका एप्लीकेशन और भी टॉपिक्स में यूज होते रहेंगे. तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज क्या होता है कि इफ इफ ए इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ इफ वी हैव ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ मैट्रिक्स. ए आई जे एम इंटू एन यानी कि इसका ऑर्डर है एम रोज एंड एन कॉलम्स, राइट. देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. मींस इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इनटू एन, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग the rows and columns of matrix A is known as the transpose of matrix A and is denoted by A transpose A dash है ना, और A transpose या तो हम इससे A dash से represent करेंगे या A transpose, यहां पर T लिखा होता है ना, यहां पर T, तो A transpose, right. तो if we have A is the matrix A I J M into N, then transpose of A is given by A transpose is equal to A J I or N into M. यानी कि जो रोज है वो कॉलम्स में चेंज होंगे, जो कॉलम्स है वो रोज में चेंज होंगे, राइट. देखो एक एग्जांपल, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो इट हैज हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, तो कितने हैं, देखो इसमें एम रोज हैं, एम मींस कितने रोज हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 into 3, दिस इज अ मैट्रिक्स ए. Suppose we have to get the transpose of this matrix. So how do you get the transpose? So that is given by A transpose is equal to, we interchange the rows into columns and columns into rows. That means we have to interchange the rows and columns of this matrix. यानी कि जो rows हैं उनको column में change कर दो, जो column हैं उनको range में rows में change कर देंगे. देखो ये row है first row, तो इसको मैंने column में change कर दिया 1 2 3, और इधर कितना हो गया 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 3 into 2. तो देखो सेम आ गया ना, कि अगर हमारे पास A इज इक्वल टू एम इंटू एन का है तो जो ट्रांसपोज होगा वो एन इंटू एम का आ जाएगा. अब देखो एन इंटू एम का आ गया, ठीक है. और इसमें ए आई जे था, जैसे ये जो एलिमेंट है ये 3 है, जो 3 किसका था, 3 ए आई जे. आई जे मतलब इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो A13 था, A13 कितना था हमारे पास, 3 था. अब ये क्या बन गया हमारे पास, A31 बन गया. देखो ना, अब ये A31 बन गया, 31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है नहीं ये, तो 31 बन गया, A13 is equal to 3. तो देखो जो ए आई जे था वो ए जे आई में चेंज हो गया, ठीक है. तो ये आपके पास ट्रांसपोज हो गया, राइट. तो दिस इज हाउ वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, राइट. दिस इज हाउ वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स. अब देखते हैं
आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, फर्स्ट इज ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. सेकेंड प्रॉपर्टी इज के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, राइट? K is any non-zero constant, right? Where K is any non-zero constant, right? So K A transpose is equal to K into A transpose. Third is A plus minus B transpose is equal to A transpose plus minus B transpose, right? या ये plus कर दो, B के लिए तो हम वैसे कर देते हैं, minus के लिए तो हम B के element को change कर देंगे, तो A transpose और B transpose. And fourth property is A B transpose is equal to B transpose A transpose. तो these four properties are the properties of transpose of एनी मैट्रिसेस, राइट? तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं. अब हम इन चार प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हम ए ट्रांसपोज को एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो ए के इक्वल आ जाएगा. आप किसी भी मैट्रिक्स में इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपने वेरीफाई जरूर करना है इसको. और जैसे इसमें हमारे पास इसको वेरीफाई करते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टीज को. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आप चलो कर ही लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करके देखते हैं. देखो फर्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, कुछ भी लिख लो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो ए ट्रांसपोज करो, व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज, यानी कि इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स 1 2 3 4 5 6. अगर इसका भी ट्रांसपोज करते हैं हम एक बार, इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करो, तो अगेन रोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स. तो यानी कि इसका ये जो रो है उसको कॉलम में कर दो, 1 4 2 5 3 6, तो वो किसके इक्वल आ गया? देखो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया, तो दिस इज ए. तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है? अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास कि के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज होता है. कैसे? देखो कि अब सेकेंड प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई कर रहा हूं, इसी में देखो सेकेंड प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई करते हैं. सपोज वी हैव अगेन A इज इक्वल टू ए 1 2 3 4 5 6. अब K A ट्रांसपोज कर लेता हूं मैं, K मीन्स एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो अगर मैं K A करता हूं, K A, तो के ए को कैसे लिखूंगा कि ईच जब मल्टीप्लाई होता है भी किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से किसी भी मैट्रिक्स का, तो दैट मींस ईच एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट. सपोज इट वुड हैव बीन 2, तो ईच एलिमेंट्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट? तो अब ये के है, तो ईच एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, तो दैट इज के 2k 3k 4k 5k 6k. और इसमें से आप जो है के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये के है. अब इसका ट्रांसपोज करता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज करता हूं, के ए ट्रांसपोज. अब इस रो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, के 2k 3k 4k 5k 6k. अब इसमें से के कॉमन ले लो, के कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6,
और इट कैन बी रिटन एज के, और ये क्या था, ए ट्रांसपोज है, ए तो ये है, तो व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज, व्हाट इज ए ट्रांसपोज, रोज को कॉलम है 1 2 3 4 5 6, इट वॉज ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू ए ट्रांसपोज, तो दिस इज हाउ वी वेरीफाई द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोजेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो ये तो सेकेंड प्रॉपर्टी थी, ऐसे आप थर्ड प्रॉपर्टी को भी आप बड़ा इजीली कर सकते हैं, जिसमें ऐड करना है आपने कि अगर ए ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देखो थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज वी हैव टू वेरीफाई थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड सपोज वी हैव ए इज इक्वल टू, ए तो ऐसे रहने दो, और मैं बी को क्या लिख देता हूं, बी टू माइनस वन जीरो, टू माइनस थ्री टू, सपोज ये है ना। तो अब उसमें एक चीज ध्यान रखना होता है, जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे नहीं कि आप जो है एक मैट्रिक्स ए को आपने डिफरेंट ऑर्डर का ले लिया और बी को डिफरेंट का, तो वो हमारे पास एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑडिशन तो तभी पॉसिबल होता है जब वो दे आर हैविंग सेम ऑर्डर। तो ये आप कर सकते हो, जैसे हम करते हैं इसमें कि ए बी ट्रांसपोज, तो पहले ए प्लस बी निकालते हैं, तो हाउ विल गेट ए प्लस बी, ए प्लस बी तो रोज को कॉलम्स में चेंज करो, तो ए प्लस बी नहीं सॉरी ए प्लस बी निकालो, तो ऐड करो 1 + 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं ना, 2 2 - 1 1 3 और 1 + 2 3 और -1 और 8, ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी ट्रांसपोज करता हूं, तो दिस इज हाउ रोज गेट्स कन्वर्टेड इन टू कॉलम्स, 3 - 1 8, ठीक है। और अब देखो इसमें ए ट्रांसपोज, देखो ए ट्रांसपोज रोज को कॉलम में चेंज करो, 1 2 3 4 5 6, और इसमें बी ट्रांसपोज देखो, 2 - 1 0, 2 - 3 2, राइट। अगर हम इसमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करते हैं, तो ऐड करो नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इनको ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो सॉरी 1 2, यस यहां पर ये एलिमेंट गलत हो गया था ना, ये 2 4 + 2 6 होना चाहिए था ना, मैंने 3 लिखा हुआ था, तो ये 6 हो गया। तो देखो 1 और 4 + 2 6 हो गया, एंड 1 - 1 0 and 2, सॉरी 1 - 1 और 3 and 8, तो दिस इज हाउ वी वेरीफाई थर्ड प्रॉपर्टी। ये तो थर्ड प्रॉपर्टी था, और एक फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हम जो है ए बी ट्रांसपोज, फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो देखो एग्जांपल 21 देखो आप, इस पे बेस्ड, ए इज इक्वल टू -2 4 5 एंड बी इज 1 3 - 6, इसमें कॉमन ही होता है 1 3 - 6। तो अब इसमें हमने वी हैव टू वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये हम वेरीफाई करके देखते हैं कैसे करते हैं। देखो पहले ए बी, ए बी देखो मल्टीप्लाई करो, तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो इसका ऑर्डर 1 2 3 3 × 1, और ये है 1 × 3, तो जो रिजल्टेंट आएगा 3 × 3 का आएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करो, इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा -2, फिर -2 का -6, फिर 12, फिर 4 का 4, 12 और 4 6 = 24, फिर 5 15, 5 6 = 30, दिस इज ए बी। तो व्हाट विल बी ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज होगा रोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स,
तो माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व, फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर और फाइव फिफ्टीन और माइनस थर्टी। तो दिस इज ए बी ट्रांसपोज, ए बी ए था तो ए बी ट्रांसपोज है। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करके देखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इसको इसका ट्रांसपोज करो तो ये रोज कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये जो है माइनस टू फोर फाइव हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो माइनस टू फिर फोर और फाइव फिर माइनस सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन और मल्टीप्लाई करते जाओ ना, पहले वन का इससे माइनस टू, इस रो का इस कॉलम से करेंगे ना तो इसमें तो और एलिमेंट तो है नहीं, तो वन का माइनस टू से माइनस टू, फिर वन का फोर से फोर हो जाएगा, फिर वन का फाइव से फाइव हो जाएगा, फिर थ्री का माइनस टू से माइनस सिक्स हो गया, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, सिक्स टू जा ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी फोर और माइनस थर्टी। ठीक है, तो देखो ए बी ट्रांसपोज, हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी हमारे पास ए बी ट्रांसपोज होगा तो दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें कि ए बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स नाउ यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3.3 अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ डू एक्सरसाइज 3.3 अप टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो इन पे बेस्ड आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।